खुद को बहुत होशियार समझती हो। हाँ, क्या लगता है तुम यहाँ से भाग सकती हो? आज के इस काउंटडाउन वीडियो में हम आपको बॉलीवुड की टॉप 6 सस्पेंस थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री वेब सीरीज के बारे में बताने वाले हैं, जो इसी साल यानी 2022 में रिलीज हुई है। और इन सभी वेब सीरीज में आपको दमदार सस्पेंस, मजेदार ट्विस्ट के साथ ही दिमाग घुमा देने वाले क्राइम देखने को मिलेगा। और इन सभी वेब सीरीज को आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सिनेमा एंड पॉपकॉर्न। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही रहे उस नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काउंटडाउन का नंबर 6 पे आती है साल 2022 में रिलीज हुई क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर, जिसे आईएमडीबी की तरफ से 8.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और 98% गूगल यूजर ने इस सीरीज को लाइक किया है। इस सीरीज के लीडर में नजर आए हैं करण ठक्कर, ऐश्वर्या सुष्मिता, अविनाश तिवारी, रवि किशन और आशुतोष राणा जैसे कलाकार। बात करें सीरीज के स्टोरी लाइन के बारे में तो कहानी आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा के अराउंड घूमती है। अमित लोढ़ा 98 बैच के आईपीएस अधिकारी है, जिन्होंने पहली बार में ही यूपीएससी परीक्षा पास कर ली थी। अमित लोढ़ा की पहली पोस्टिंग बिहार में हुई थी। शादी के एक हफ्ते बाद वह ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए बिहार पहुंच जाते हैं। 25 साल के अमित लोढ़ा आईपीएस बनकर बिहार तो पहुंच गए थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वहां उनके सामने कितने चैलेंजेस आने वाले हैं। राज्य में पहुंचते ही अमित लोढ़ा ने अपराध और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कठोर कदम उठाते हैं। इसी बीच उनका सामना होता है बिहार के सबसे बड़े गैंगस्टर चंदन महतो से। अब आगे की कहानी सुनने से अच्छा होगा आप खुद इस सीरीज को देख लीजिए। आप इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। काउंटडाउन के नंबर 5 पे आती है साल 2022 में रिलीज हुई फैमिली थ्रिलर वेब सीरीज माई, जिसे आईएमडीबी की तरफ से 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और 87% गूगल यूजर ने इस सीरीज को लाइक किया है। इस सीरीज के लीडर में नजर आए हैं वामिका गब्बी, साक्षी तनवर, राइमा सेन, प्रशांत नारायण और विवेक मुसराम जैसे कलाकार। बात करें सीरीज के स्टोरी लाइन के बारे में तो यह कहानी सील यानी साक्षी तनवर की है, जिनकी बेटी वामिका एक हादसे में मारी जाती है। लेकिन माई को यह यकीन है कि बेटी के साथ हुआ हादसा उतना सिंपल नहीं है जितना लग रहा है। माई की बेटी बोल नहीं सकती थी, लेकिन स्टैंड अप कॉमेडियन थी। कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। बेटी के मौत के बाद जब साक्षी को लगता है कि उसकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है और तब वह उसकी तफ्तीश करती है, एक माँ अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए किस हद तक जा सकती है, यह जानने के लिए आपको इस वेब सीरीज को देखना पड़ेगा। अगर आपने इस वेब सीरीज को मिस कर दिया है तो जल्दी से देख लीजिए। आप इस वेब सीरीज को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको बॉक्स में मिल जाएगी। हमारे काउंटडाउन के नंबर 4 पे आती है साल 2022 में रिलीज हुई हॉरर वेब सीरीज दहन, जिसे आईएमडीबी की तरफ से 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और 77% गूगल यूजर ने सीरीज को लाइक किया है। इस सीरीज के लीडर में देखने को मिलेंगे टिस्का चोपड़ा, सौरभ शुक्ला, मुकेश तिवारी, राजेश तेलंग जैसे कलाकार। बात करें सीरीज के स्टोरी लाइन के बारे में तो कहानी सिलासपुरा गाँव की है, जहाँ कई रहस्य छुपे हुए हैं। गाँव को एक मायावी ने श्राप दे दिया था, उसकी आत्मा आज भी सिलासतल में कैद है। अगर उसकी आत्मा वहाँ से छूट गई तो उससे कोई नहीं बच पाएगा। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक आईएएस अधिकारी अवनी राउत की एंट्री होती है। अवनी राउत को यह कहानी सिर्फ बकवास लगती है और वह गांव के आसपास के पहाड़ियों में मौजूद मिनरल्स को निकालने के लिए माइनिंग करवाने का ठान लेती है। गांव वालों के मना करने के बाद भी वह नहीं मानती है। अवनी राउत ठान लेती है कि वह रहस्यमय हत्याओं की गुत्थी को सुलझा कर रहेगी। अब आगे की कहानी के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। आप इस सीरीज को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसका के नंबर 3 पे आती है साल 2022 में रिलीज हुई क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज सुजल द वर्टिक्स, जिसे आईएमडीबी की तरफ से 8.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और 97% गूगल यूजर ने इस वेब सीरीज को लाइक किया है। इस सीरीज के लीडर में नजर आए हैं श्रेया रेड्डी, ऐश्वर्या राजेश, गोपिका रमेश, लता रावी, हरीश उत्मान जैसे कलाकार। बात करें सीरीज के स्टोरी लाइन के बारे में तो कहानी तमिलनाडु के एक छोटे से गाँव की है, जहाँ 25 साल पहले एक फैक्ट्री लगाई गई थी। एक दिन अचानक फैक्ट्री में आग लग जाती है। जिस दिन फैक्ट्री में आग लगती है उसी दिन गाँव की एक लड़की गायब हो जाती है। अब इस केस को सॉल्व करने की जिम्मेदारी पुलिस डिपार्टमेंट को सौंप दी जाती है। अब पुलिस इस केस को कैसे सॉल्व करती है, किडनैपिंग और फैक्ट्री के बीच कौन सा राज छुपा हुआ है, इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए आपको इस सीरीज के 8 एपिसोड देखने होंगे। कहानी काफी दिलचस्प है, जो आपको आखिर तक उलझा कर रखेगी। सीरीज का हर एपिसोड ट्विस्ट से भरा हुआ है, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो अगर आपने इस सीरीज को अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिए। आप इस सीरीज को Amazon Prime Video पर हिंदी में देख सकते हैं।
जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमारे काउंटडाउन के नंबर 2 पे आती है साल 2022 में रिलीज हुई क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज द गॉन गेम सीजन 2, जिसे आईएमडीबी की तरफ से 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और 53% गूगल यूजर ने इस वेब सीरीज को लाइक किया है। इस सीरीज के लीडर में नजर आए हैं संजय कपूर, श्रेया पिलगांवकर, श्वेता त्रिपाठी, अर्जुन माथुर और रुखसार रहमान जैसे कलाकार। बात करें सीरीज के स्टोरी लाइन के बारे में तो कहानी एक मर्डर के अराउंड घूमती है। अगर आपने इसका पहला सीजन देखा है तो आप इसके सेकंड सीजन की कहानी के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर पिछला सीजन खत्म हुआ था। पहले सीजन में दिखाया गया था कि कैसे साहिल गुलजार लूटपाट कर भाग जाता है और उसके मर्डर के जुर्म में उसकी पत्नी सुहानी को जेल जाना पड़ता है। सीजन 2 में सुहानी को यह प्रूव करना है कि वह निर्दोष है और साहिल गुलजार जिंदा है। लेकिन कहानी में इस बार यह ट्विस्ट डाला गया है कि सुहानी का खुद मर्डर हो गया है। अब सुहानी का मर्डर किसने और क्यों किया है और साहिल गुलजार का क्या रोल है, इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। आप इस सीरीज को OTT प्लेटफॉर्म वूट पर फ्री में देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो फाइनली हमारे काउंटडाउन के नंबर 1 पे आती है साल 2022 में रिलीज हुई पॉलिटिकल ड्रामा वेब सीरीज तनाव, जिसे IMDb की तरफ से 8.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और 93% गूगल यूजर ने इस वेब सीरीज को लाइक किया है। इस सीरीज के लीडर में देखने को मिलेंगे मानव बीज, एकता कौल, सुमित कौल, शशांक अरोड़ा और अब्बास खान जैसे कलाकार। बात करें सीरीज के स्टोरी लाइन के बारे में तो कहानी काश्मीर में चल रहे पॉलिटिकल ड्रामा के ऊपर बेस्ड है। सीरीज की शुरुआत काश्मीर में एक प्रोफेसर की गिरफ्तारी से शुरू होती है, जिसे एसटीजी के लोग गिरफ्तार कर लेते हैं। इंटेलिजेंस चीफ प्रोफेसर की बेटी के अच्छे इलाज का लालच देकर उससे आतंकी एक्टिविटीज के बारे में जानकारी मांगते हैं। प्रोफेसर बताता है कि कुख्यात आतंकवादी उमर रियाज उर्फ पैंथर अभी भी जिंदा है, जिसे टास्क फोर्स के काबिन फारूक ने एक ऑपरेशन के दौरान मार गिराया था। इस ऑपरेशन के बाद काबिन एसटीजी छोड़कर अपना बिजनेस शुरू करता है। पैंथर के जिंदा होने की खबर एसटीजी को परेशान कर देती है। एसटीजी का एक सीनियर अफसर काबिर फारूक के घर जाकर उसे इसकी सूचना देता है। उसे वापस टास्क फोर्स ज्वाइन करके पैंथर को दोबारा मारने में सहयोगिता करने के लिए कहता है। अब आगे की कहानी जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। आप इस सीरीज को सोनी लिव ऐप पर देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, आज के काउंटडाउन वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं लेटेस्ट मूवी एंड वेब सीरीज की लिंक शेयर करता हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।